लेट अस स्टार्ट। आज मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर मंथ कैलेंडर और अपने एग्ज़ाम के टारगेट कैसे सेट करते हैं वो ऑप्शन बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएशन किया हुआ है। फर्स्ट विल सी द आउटपुट की एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट। नाउ सपोज मैंने यहाँ पे एक मंथ दे दिया, लाइक आई एम लुकिंग फॉर 1st फैब 2020। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैब के पूरे मंथ का डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके साथ में जो फैब के मंथ में मेरे जो एग्ज़ाम के इवेंट्स हैं वो भी मैंने हाईलाइट कर दिए। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ एग्ज़ाम ऑन 11th एंड 19th, सो 11 एंड 19 यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए। अगर आप चाहते हैं कि मार्च के हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पे 1/3/2020, तो आप देख सकते हैं मार्च में जो मेरे एग्ज़ाम के इवेंट है 5th और उसके साथ में 16th, सो 5th एंड 16th यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए। अगर आपने किसी भी इवेंट को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली ये डेट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये ऐसे हम कैसे खुद से डिज़ाइन करेंगे। ये तो ऑलरेडी क्रिएशन किया हुआ है, अब हम इसे चलते हैं खुद से डिज़ाइन करने के लिए। सो सेल्फ डिज़ाइन करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे कुछ डेट वगैरह प्री प्लान करके रखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, टाइम थोड़ा सेव करने के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ अपकमिंग डेट्स दे दिए हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे ऐड कर लो, कोई इश्यूज़ नहीं है। सबसे पहले मैंने अपने कुछ अपकमिंग यहाँ पे एग्जाम के डेट आप इसे सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट कर लेने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे और इसका एक नाम डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने डिफाइन कर दिया है अपकमिंग। आई रिपीट, इसका नाम दिया हम लोगों ने अपकमिंग। उसके बाद अब हम इसके ऊपर चलते हैं, और यहाँ चलने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो आपने ईयर दिया हुआ है उस ईयर का डेटा यहाँ पे लाना है, तो इक्वल टू यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो ईयर यहाँ पे आ गया। बट मुझे यहाँ पे पूरा ईयर नहीं देना है तो Ctrl+1 प्रेस करता हूँ, देन वी वेंट टू द कस्टम। और कस्टम में जाने के बाद मैंने यहाँ से लिखा कि मुझे सिर्फ मंथ देखना है और साथ में उसका ईयर देखना है। आई रिपीट, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ एंड द ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ एंड ईयर आ गया। इसे एक छोटी सी कलर दे देते हैं हम, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली आप कलर इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट बोल्ड और क्लियर विजिबल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे वीक के डेज आने चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया फॉर्मूला कॉल्ड एज वीक डे, और वीक डेज में हम लोग ये डेट ले लेते हैं। एंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं वीक के डेज में आ गया 4, करेक्ट। बट यू शुड नो द वीक डे फॉर्मूला, वॉट इट इज एग्जैक्टली मेंट। वीक डेज में मुझे 4 मिला है, बेसिकली वाई 4, लाइक बिकॉज यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है ये जो डेट है हमारे वीक का 4th डे है। अब मुझे ऐसे डे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे सब आ जाने चाहिए। और जैसे आप यहाँ पे डेटा देख रहे हैं आई स्टार्टेड फ्रॉम द संडे, तो मैं इसे भी संडे में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो वी हैव अनदर फार्मूला कॉल्ड एज चूज। मैं इसके अंदर एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, चूज ऑप्शंस। ये लिखने के बाद मैंने इंडेक्स में दिया है हमारा वीक डे का वैल्यू, दैट इज 4 आया। 4 आने के बाद लाइक नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 0,1,2,3,4,5,6, बिकॉज वीक का मेरा जो फर्स्ट डे होगा वो मेरा होगा संडे। आई रिपीट, वीक का जो मेरा फर्स्ट डे होगा वो मेरा संडे होगा, करेक्ट। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, सपोज अगर आप यहाँ पे यूज कर दे इक्वल टू, करेक्ट, एक डेट यहाँ पे दे देता हूँ, आप देख सकते हैं आज की डेट दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू वीक डे, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 4 ऑप्शन आ गया। गाइस 4 क्यों आया मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉमा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने कुछ नहीं बताया तो इट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे एज ए संडे, और अगर नंबर 2 लिया इसका मतलब मंडे को मेरा फर्स्ट डे होगा। मुझे संडे से ही स्टार्ट करना था, इसके लिए मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, आई स्टार्टेड विद द संडे। अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे। नाउ यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं मुझे संडे मिल गया, करेक्ट। मेरा जो फर्स्ट डे होगा वो क्या होगा, वीक डेज का संडे। अब मैं इसे मैन्युपुलेट कर लेता हूँ कि मेरा संडे नहीं आ रहा है, मेरा 3 आ रहा है, लेकिन मुझे तो संडे से ही स्टार्ट करना है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वापस जाता हूँ, इसी डेट पे इसे फिक्स कर देते हैं और इसमें से माइनस कर देता हूँ। लाइक जो भी इसका एग्जैक्टली आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट मैं इसमें से क्या करूँगा, माइनस, करेक्ट। और इसी में से आप हमारे वीक डेज में टोटल 7 डेज होते हैं, इसको भी कर देता हूँ -7। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस मंथ की मुझे डेट मिल गई। नाउ ऐसे क्यों किया कि बिकॉज मुझे 7 के सेट में ये कंप्लीट करना है। एवरी बॉक्स में यहाँ पे हर एक बॉक्स में आपके पास एक एक डे होता है, लाइक तो 7 7 डेज के सेट में कंप्लीट करना है। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ this+1, आई रिपीट this+1, और Ctrl+R प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सारी डेट आ गई। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं इसे अगेन सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+1, और चलते हैं कस्टम। और कस्टम में जाने के बाद मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे सिर्फ मंथ की रिक्वायरमेंट है, तो मंथ
मुझे डे की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ डे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे से स्टार्ट हो गया एज इट इज़। अगर आप चाहें तो कोई और डेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मंडे से भी, नॉट नेसेसरी, बट मुझे अपनी डिज़ाइन में ऐसे ही चाहिए था तो आई डिड दैट। और उसके बाद यहाँ पे डेट में दे देता हूँ संडे मंडे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है गाइस। अब मुझे क्या करना है, एवरी वीक डेज में 7 डेज होते हैं, तो मैं ये डेट लेता हूँ और इसमें क्लिक कर देता हूँ +7। आई रिपीट, इसमें मैंने +7 ऐड कर दिया, कंट्रोल आर किया तो बाकी की सारी भी डेट यहाँ पे आ चुकी है। सिमिलर वे यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, इसे कंट्रोल डाउन कर देता हूँ गाइस, तो यहाँ नीचे भी आ गए हैं। अब आप इसे Ctrl+1 करके कन्वर्ट कर दो अपने डेट के रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। सो डेट का मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है गाइस, DD। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट का जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो आ चुका है। मैं इसे सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर को निकाल देता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो मैंने इसे निकाल दिया, करेक्ट। उसके बाद यहाँ से कोई सॉफ्ट कलर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कलर यूज़ कर लो गाइस। सो नाउ आई कैन सी द कलर। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी मंथ का डेट है वो मुझे दिखना चाहिए, बाकी के जो एक्स्ट्रा डेट आ रहे हैं वो मुझे नहीं दिखना चाहिए। सो लेट अस हाइड दिस। अगर आप देख सको तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मंथ में एक्स्ट्रा 27, 28, 29 भी आ रहा है, बट ये हिडन है और हाईलाइटेड आपका यही डेट है ये, बिकॉज दिस इज़ अ एक्टिव डेट। सो मैं भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया और मैं चले जाता हूँ Ctrl+1, सॉरी नॉट Ctrl+1, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, Alt+OD, और यहाँ से न्यू ऑप्शन यूज़ करता हूँ। नाउ लेट मी कन्वर्ट दिस कि जो करंट मंथ का डेट है वही हाईलाइट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, दैट वी कॉल इट एज मंथ। मैंने बोला है कि मुझे इसमें से मंथ आप देना, सेल रेफरेंसेस को निकाल देता हूँ, और ये मंथ अगर नॉट इक्वल टू मंथ, आई रिपीट, अगर यहाँ पे जो मंथ है वो नॉट इक्वल टू मंथ इसके बराबर है, ओके, अगर इसके बराबर है तो सर आपको क्या चाहिए। तो मैं वापस चलता हूँ फॉर्मेट में, देन आई क्लिक कि यहाँ पे जो इसके फॉन्ट होंगे वो सपोज ऐसे हो जाने चाहिए, और प्लस साइज लिस्ट में जो फॉन्ट हमें दिखाई दे रहे हैं उनको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना एक फेंट जैसा ऐसे कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा फेड जैसा दिखने के लिए, नथिंग एल्स। आप नहीं चाहेंगे तो मत करिए गाइस, बट दिस लुक्स बेटर। आप देख सकते हैं ये मैंने फेंट जैसा यहाँ पे दिखा दिया है, इसका मतलब सिर्फ करंट मंथ विजिबल है और बाकी का सारा डेटा हमें क्या दिखाई दे रहा है, फेंट में डेटा दिखाई दे रहा है, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे यहाँ पे कि हमारे जो अपकमिंग इवेंट है वो हाईलाइट होनी चाहिए। आई रिपीट, मेरे जो अपकमिंग इवेंट है या मेरी जो अपकमिंग एग्जाम है वो यहाँ पे हाईलाइट होनी चाहिए। तो इसके लिए गाइज हम लोगों ने इस रिकॉर्ड को ऑलरेडी सेलेक्ट करके क्या नाम दिया है, अपकमिंग। सो मैं यहाँ पे एक अगेन फार्मूला लिखता हूँ, ओके, आई रिपीट, इसे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स में जाते हैं और यहाँ पे और एक फार्मूला लिखता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ, आई रिपीट, इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अपकमिंग, ये जो अपकमिंग डेज है उस डेज में से मुझे ये सर्च करना है। इसके सेल के रेफरेंसेस को मैं इरेज कर देता हूँ, देन आई क्लोज इट, और अगर ऐसा हुआ तो आपको रिक्वायर्ड में क्या आंसर चाहिए। सो आई जस्ट क्लिक ऑन बॉर्डर एंड मैंने बोला इसमें कि एक मुझे आप बॉर्डर देंगे, आप चाहें तो बॉर्डर के कलर वगैरह, थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट, मैं इतना ही रखता हूँ, ओके, देन आई क्लिक डॉन ओके। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई दिया तो ये 3 हाईलाइट हो गया गाइस। अब मैं सबसे पहले अपने मंथ के कैलेंडर को कन्वर्ट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे डेट दे दिया है 1-1-3-2020। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5th और 16th हाईलाइट हुआ। चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। सो हमारे पास भी क्या डेट है गाइज, इसको और अच्छा देखने के लिए आप सेलेक्ट कर लो और Ctrl+Shift+L फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। फिल्टर के बाद आप क्या डेटा देखना चाहते हैं रिक्वायर, सो फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा देखना चाहता हूँ जैन का, सो आई जस्ट क्लिक टू द जैन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन में एक ही डेट है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ वो डेट कौन सी है मुझे यहाँ पे मालूम पड़ जाए, करेक्ट ना, जैन की एक ही डेट है वो डेट यहाँ पे हाईलाइट हो जावे, ओके। मेरा डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इट माइट बी क्रिएट अ प्रॉब्लम, ओके। तो थोड़ी सी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे जैन की डेट में कन्वर्ट करता हूँ, सो दैट मेरा कैलेंडर जैन मंथ का। देखिए आप जैन में क्या हाईलाइट हो गया गाइस, अगर सपोज मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ जैन में 21 जैन 2020, इज इट, आप देख सकते हैं मेरे डेटा में वो डेट भी हाईलाइट हो गया। गाइस दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन क्रिएट योर ओन कैलेंडर। आप अपना कैलेंडर भी बना सकते हैं और साथ में ये जो अपकमिंग डेज है उसे भी ऐड कर सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज अ वन ऑफ द प्रैक्टिस लाइक विच यू हैव टू यूज इट, करेक्ट। तो अब आप इस तरह से खुद के एक डिजाइन करिए और डिजाइन करने के बाद क्रिएट योर ओन कैलेंडर और उस कैलेंडर में आपके जो अपकमिंग डेज होंगे वो डेज यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। हाँ, रिमेंबर आप कैलेंडर के मंथ को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1-3-2020, अब ऑटोमेटिकली आपके डेट यहाँ पे आ गए हैं, करेक्ट। सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन क्रिएट योर ओन कैलेंडर और उसके अंदर आप इसे डिफाइन कर सकते हैं।
अगर इससे रिलेवेंट आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट्स भी कर सकते हैं। रिमेंबर टू डू योर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।